ओम शांति। आज हम बात करेंगे मन को शांत कैसे करें। बहुतों के मन में प्रश्न है और जिन्होंने मुझे पूछा है कि मन को शांत कैसे करें, तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। कुछ बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो सचमुच हम वो गहरी शांति की अनुभूति कर सकते हैं। मैं आज तीन बातें कहूंगा, इस तीन बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा मन शांति से भरपूर हो जाएगा। पहली बात है कि हमारे मन में शुभ संकल्प की रचना इतना ज्यादा हो, और शुभ संकल्प से हम भरपूर होना चाहिए। और वो कैसे हो, अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाले किताब का अध्ययन करें। सबसे बढ़िया शक्तिशाली बाबा की मुरली जितना बार बार पढ़ेंगे हमारे मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे। दूसरी बात आती है, जिस प्रकार हम अपने सेहत को स्वस्थ रखने के लिए सही प्रकार के खाने का उपयोग करते हैं। अगर गलत खाना खाते हैं तो फिर गलत असर करता है, कई प्रकार की बीमारी आती है। उसी प्रकार अगर हम अपने मन को शांति से भरपूर करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, गहरी शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तो शुभ संकल्प की रचना करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है योग। बहुत प्रकार के हम योग किए हैं, लेकिन ये योग है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। दो नैनों के बीच के भ्रुकुटी में, अभी आप स्थित हो जाइए जैसे आप सुन रहे हैं, कि दोनों आंखों के बीच के जो मध्यम स्थिति है वहां मैं आत्मा जगमगाता सितारा हूं। अगर आप एक घंटे में 5 मिनट का भी अभ्यास करते हैं तो आज का जो अभ्यास कल दिन भर के लिए आपको बहुत मदद करेगा। और इस अभ्यास को बढ़ाएं तो आपके मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। और तीसरी बात, आत्मा इस शरीर में है, प्रतिदिन हमें कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर के जो हलचल, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो संतुलित रहता है। ऐसे नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इसलिए प्रतिदिन यह आदत बना ले, कुछ ना कुछ मुझे एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है या प्राणायाम करना है। इससे आपके मन में जो द्वंद है, जो तनाव है, वो समाप्त होंगे। जितने प्रकार के हम दुख या कष्ट भोगते हैं वो सारे शरीर के माध्यम से, अगर तन स्वस्थ रखेंगे तो मन भी स्वस्थ होने लगेगा, क्योंकि ये दोनों का जो समावेश है बहुत ही जबरदस्त है। इन तीनों बातों में आपको ध्यान रखना है, शुभ संकल्प रचना है, शुभ संकल्प करना है, शुभ संकल्प सोचना है। तो इसलिए आपको एक बातें आदत बनानी है, जो भी हमारे सामने नजारे आते हैं उसमें पॉजिटिविटी निकालनी है। अच्छा हो रहा है, अच्छा चीज है, अच्छा होगा, हर शब्दों में अगर अच्छे भाव को हम उत्पन्न करते हैं तो आने वाले समय पर जो नेगेटिविटी बातें होती है हमारे सामने वो पॉजिटिव होने लगेगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, पहले आपको लगेगा ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अभ्यास से वो स्वरूप बनता जाएगा। और जब आप योग करते हैं, किसी जगह, वस्तु, रंग, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि आप एक सितारा हैं, आत्म सितारा है, भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहे हैं, और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन ही मन में इन शब्दों को आप बार बार दोहराएं। आप दिन भर में जितने बार भी अभ्यास करते हैं, अगर 12 घंटे में आपने 6 बार भी अभ्यास किया, या 12 घंटे में 3 बार अभ्यास किया, या 12 घंटे में 12 बार अभ्यास किया, तो उसमें आप जब दोहराएंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये संकल्प की ऊर्जा एक दिव्य प्रकाश आपके शरीर के चारों ओर प्रकट करेगा, जिसके कारण आपके तनाव, आपकी नेगेटिविटी, आपकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, और जिसके कारण आपके मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो कुछ समय आप योग पर ध्यान दें, कुछ समय अच्छे स्टडी, अच्छे किताब, पॉजिटिव वाली बातें, मुरली पर ध्यान दें, और कुछ समय एक्सरसाइज करने के लिए ध्यान दें। हाँ, ध्यान रखने की ये बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम ठीक रहते हैं, मतलब प्रफुल्लित रहते हैं, खुशनुमा स्थिति होती है, उस समय कई नेगेटिव बातों को हम सहज रूप से बोल लेते हैं और उसको अपना लेते हैं।
दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर सुबह तक जितने नेगेटिविटी बातें हैं, जब किसी प्रकार की तनाव नहीं है ना किसी प्रकार की हलचल है, उस समय हमें कोई भी नेगेटिव चीजों को एक्सर्व कर नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं तो वो आदतें फिर वो दुख देती है। जब किसी प्रकार परिस्थिति आ जाएगी उस समय और दुखी हो जाएंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान दें, हमें नेगेटिव बिल्कुल उठानी नहीं है, नेगेटिव शब्दों को नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि मैं मजाक में बोल दिया था, मैं मजाक में बोलता हूँ, हाँ मैं तो ऐसे ही बोल दिया, इन सब बातों को हम त्याग करें अगर हम अशांत नहीं होना चाहते हैं तो, क्योंकि गलत आदत डिप्रेशन की ओर ले जाती है। अगर हम अच्छी आदत को बनाए तो हम कभी भी अशांत नहीं होंगे और सदा शांति का अनुभूति करती रहेगी आत्मा। बाकी समय आप जो कर्म करते हैं उस पर आप करते रहें तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस प्रकार से इन तीनों बातों से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।